उत्तर प्रदेश के बरेली में इन दिनों एक तेज तर्रार महिला अधिकारी छेड़छाड़ करने वालों पर कहर बनकर टूट रही है। शहर के हर कॉलेज चौराहे पर उसके चर्चे हैं। बरेली की बेटियों के लिए ये आईपीएस अधिकारी प्रेरणा बन चुकी हैं। चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। यह है ट्रेनी आईपीएस रवीना त्यागी, जिनके खौफ से शोहदे अपने घरों में छिप जाते हैं और जो इनके हत्थे चढ़ गया वो पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। बरेली में एंटी रोमियो स्क्वाड की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लोग भी लेडी सिंघम का पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ की जनरल पब्लिक है वो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। वो खुद ही इस मुहिम में हमारे साथ हैं। वो खुद आके बताते हैं कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रो हो रही है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली रवीना साल 2014 बैच की आईपीएस अफसर हैं। पिताजी भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। रवीना पीएम नरेंद्र मोदी की फैन है और प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेहद प्रभावित हुई। अभी बस शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो डिसाइड किया है उस रास्ते पे बस हम बने रहें, बस यही हमारी कोशिश रहेगी। रवीना ने यूट्यूब पर अपने मंगेतर के साथ मिलकर चैनल चलाया जिससे वो सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद करती हैं। रवीना उन महिलाओं में से हैं जो न सिर्फ बरेली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, बल्कि खुद युवा पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश कर रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।